सोलन में बढ़ते कोरोना संक्रमण मामलों पर सोलन के उपायुक्त केसी चमन ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से सोलन में रोका जाए, जिसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस अभियान में अब उन्हें सोलन की जनता का साथ चाहिए। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोग सरकारी नियमों का पालन नहीं कर रहे और जिला प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना के मामले सोलन में बढ़ रहे हैं। इस तरह के असामाजिक तत्व अपने जीवन के साथ साथ दूसरे लोगों का भी जीवन खतरे में डाल रहे हैं, जिन पर अब जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना आरंभ कर दिया है और किसी भी सूरत में नियमों की अवहेलना करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कहा कि लोग चोरी छुपे सोलन के चोर रास्तों से जिला में प्रवेश कर रहे हैं, जिन्हें जिलावासियों के सहयोग से पकड़ा जा सकता है। उन्होंने सोलन की जनता से आग्रह करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्तियों पर सभी जिलावासी नजर रखें और अगर कोई भी व्यक्ति बाहरी राज्य से आता है तो उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति होम क्वारंटीन है उसे जिला प्रशासन उनके दरवाजे पर जरूरत की सभी सेवाएं विभिन्न व्यापारियों के माध्यम से उपलब्ध करवा रहा है, इसलिए उन्हें बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कोई निकलता है तो उसकी शिकायत पुलिस में करें ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। उन्होंने कहा कि सोलन में कोरोना के मामले बढ़ने की स्थिति के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। चोर रास्तों से भी लोग घरों को आ रहे हैं, जिसका भी हमें पता नहीं है, उसके लिए लोगों को सजग रहना है। कोई भी अजनबी, मैं हमेशा कह रहा हूँ, कोई अजनबी आए सूचना प्रशासन को दो, और कोई पड़ोस में जो काफ़ी समय से आदमी नहीं है, अब दिख रहा है वो बाहर से आया है, या तो बॉर्डर से आया है तो ठीक है, होम क्वारंटीन है, कोई आदमी छुपे रुस्ते से आए तो प्रशासन के ध्यान में आओ। कोरोना आ रहा है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुरू से बोल रहा हूँ, माकूल इंतजाम हमारे प्रशासन के हैं और सबका ये रखा जाएगा, बेडिंग कैपेसिटी है, लेकिन इसको फैलने से रोकना है। इसको रोकने का तरीका यही है कि लोग जो बाहर से आए 14 दिन के क्वारंटीन में रहे, उनकी सैंपलिंग हो, टेस्टिंग हो, अगर नेगेटिव है तभी वो पॉपुलेशन में आए। तो ये इसका ख्याल है कि दहशत की कोई बात नहीं, लोग जो भी आ रहा है वो कहीं स्टैंडर्ड था, कोई इमरजेंसी है उसका भी सहयोग दें, उसको प्रताड़ित ना करें। उन्होंने उस समय भी होम डिलीवरी दी जब पूरा लॉकडाउन था, दुकानें बंद थी, वही सिस्टम अभी भी है। जैसे कोई आदमी आता है उसको होम रिकमेंड क्वारंटीन रिकमेंड दिया जाता है, उसके जब दरवाजे के ऊपर हम पोस्टर लगाते हैं डोंट विजिट, कृपया यहाँ ना आए, ये होम अंडर क्वारंटीन है, तो उसको जब ये दिया जाता है तो उसको सर एक पैम्फलेट भी दिया जाता है उस आदमी को कि भाई ये सारी सुविधाएं हैं, सारा ये है, इसमें दूध इस नंबर पर मिलेगा, राशन इस नंबर पर मिलेगा, इसमें आप फ़ोन कीजिए, आपको डिलीवरी आदमी बाहर छोड़ जाएगा, वो टच नहीं करेगा, एक दूसरे कॉन्टैक्ट नहीं होगा, पेमेंट ऑनलाइन होगी, चाहे पेटीएम से दो, भीम से दो, UPI से दो, या नेट बैंकिंग से दो, उससे वो कंसर्न को पेमेंट कर दें, और हर एक आदमी से कॉन्टैक्ट भी नहीं होगा, उसका विजिट बाहर भी नहीं आएगा, अगर उसको गैस की आवश्यकता है गैस उसको पहुंचाई जाएगी। सारी व्यवस्था हमारे सब डिवीजन में SDMs इसको देख रहे हैं, हर एक आदमी को हमने जोड़ा हुआ है होम डिलीवरी से, क्योंकि 14 दिन तक उसे बाहर नहीं निकलना है, सारी व्यवस्था वहाँ पे है, तो ये ध्यान में ला रहा हूँ। तो अगर ये नहीं है, कहीं कोई आदमी अगर कोई रह जाता है, या तो चोर रास्ते से आया या उसको हमें ये नहीं है, तो उसके लिए हम हमेशा हर एक आदमी सतर्क रहेगा।